में हमने 1.2 कंप्लीट की थी, आज हम पढ़ते हैं 1.3। 1.3 में हमारे पास 5 टाइप के हमारे पास क्वेश्चन होंगे। आज हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट टाइप में हमारे पास क्या है, ax^4 प्लस bx^2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास x^4 में होगी, तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। किस तरह हल करेंगे ये अब हम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, x^4 को हम 2^2 बना देते हैं, -11x^2+5=0। ये चैप्टर है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम बना कर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी लेक्चर में कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। नंबर 1, बाई फार्मूला। नंबर 2, कंप्लीटिंग स्क्वायर। नंबर 3, फैक्टराइजेशन, जिसे तजी कहा जाता है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट करते हैं x^2 हमारे पास y के बराबर। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास y^2 -11y+=0। अब इसको आप जैसे मर्जी हल करें, फैक्टराइजेशन करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, या बाई फार्मूला करें। मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन करूँगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन का अमल शॉर्ट है, इसलिए मैं शॉर्ट करूँगा, टाइम की भी बचत होती है। अब देखें, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 10y^2। हमने ऐसा पेयर बनाना है, ऐसा जोड़ा बनाना है, प्लस करें तो -11y, मल्टीप्लाई करें तो 10y^2 आ जाए। अब देखें, ये हमारे पास 10y -1y+0। इसको ऐड किया हमने, -11y आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ही आता है, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम हो, तो पावर भी एडिट होती है, ये हमने ऐड हो गए। अब देखिए, ये हमारे पास 2 के पेयर बन गए। अब इधर से हमारे पास 2y कामन आ गया, y -5, इधर से -1 कामन लेते हैं, माइनस ये हमारे पास आ गया। अब इधर से हमारे पास क्या कामन आ गया, y -5, इधर से हमारे पास 2-0, 2y-1। अब इसको 0 करेंगे और इसको भी हम 0 करेंगे। y की कीमत हमारे पास 2, और y = +1, y = इसको हम 1 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। अब देखिए, हमने लेट किया था y^2 हमने, हमारे पास था x^2, ये हमारे पास था =2। अब y किसके बराबर हमने फर्ज किया था x^2 के, ये हमारे पास 1/2। अब हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए x की वैल्यू, ये हमारे पास स्क्वायर में है। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट से ख़त्म करेंगे। अंडर रूट, टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैं अंडर रूट लेता हूँ। जब भी अंडर रूट लगाएंगे तो साथ प्लस माइनस का इजाफा करेंगे, ये हमारे पास इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, +-√2। इसी तरीके से इसको हल करेंगे, अंडर रूट इधर भी लेंगे तो हमारे पास 1/2 √+-, ये हमारे पास x = 1, ये 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 2 का अंडर रूट 2 का अंडर रूट के ऊपर आ जाएगा, ये हमारे पास। अब इसको सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट +-,
ये भी प्लस माइनस, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, अब देखें सेकंड पार्ट हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन 2x4 इक्वल टू 9x2 माइनस 4 है, ये हमारे पास माइनस 4 है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं, पहले 0 के बराबर करते हैं इसको, x2x4 माइनस 9x2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इसको उसी तरह जिस तरह लास्ट क्वेश्चन किया हमने, स्केयर बनाएंगे इसको, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब देखें लेट y इक्वल टू x2, पुट करते हैं y स्केयर हो गया माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने लास्ट अभी बताया, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तीन तरीके हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फार्मूला। आपका जो चीज जी चाहे वो कर सकते हैं। अब देखें मैं फैक्टराइजेशन से करता हूँ, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन बन गई, ऐड किया हमारे पास माइनस 9y, मल्टीप्लाई किया हमारे पास 8y स्क्वायर हो गया, इधर से हमारे पास 2y कॉमन आ गया, y माइनस 4, इधर से माइनस कामन आ गया y मनफी 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास y मनफी 4 और ये हमारे पास 2y मनफी 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 4, 2y मनफी 1 इज इक्वल टू 0। ये 2y किसके बराबर हो गया, 1 के y बराबर हो गया 1 आवर 2 के। अब देखें y हमने फर्ज किया था x स्क्वायर के, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसी तरीके से आपने x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आवर 2। टेक अंडर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, जब भी अंडर रूट लेंगे प्लस माइनस का इजाफा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा। इधर भी लेंगे अंडर रूट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का इजाफा करेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आवर 2 अंडर रूट, 1 आवर 2 अंडर रूट। फिर रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको 0 के बराबर किया, फिर हमने x की 4 को x की 2 की पावर 2 बना दिया, लेट किया y के बराबर x की 2 को, y कीमतें पुट की, तो फिर हमने फैक्टराइजेशन की, कॉमन लिया और हमने बार बार 0 के किया, फिर हमने क्या किया x की 2 को जो हमने लेट किया था y के, वो हमने कीमत पुट की, अंडर रूट लिया, तो हमारे पास जवाब आ गया। अब हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे, तो हमारे पास प्लस माइनस 2 और ये प्लस माइनस 1 आवर 2 अंडर रूट, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 5x 1 आवर 2 इक्वल टू 7x 1 आवर 4 माइनस 2, ये हमारे पास माइनस 2 है। ये अब हमारे पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इसको, हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, किस तरह बनाएंगे देखें, लेट एक्स की 4 वन आवर 4 हमारे पास वाई के इक्वल है, ये वाई के इक्वल हमने किया। अब इसका हम स्केयर लेंगे
यानी कि इसके ऊपर स्केयर लेंगे तो हमारे पास इधर भी स्केयर आ जाएगा, यानी जब दोनों जानब हमने स्केयर लिया तो इसकी इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ा, एक कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें ये हमारे पास 1/2 हो गया, यह वाई स्केयर हो गया। जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 2/4 हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं। 5 ये हमारे पास y की 2 हो गई। अब मैं इसको इधर लाता हूँ, -7y - +=0, ये हमारे पास बन गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या आएगी, -5y - 2y + 2=0। 5y कॉमन आ गया, y - 1 - 2 कॉमन आ गया, y - 1 = 0। अब ये इधर से हमारे पास y - 5y - 2 = 0, y - 1 = 0, 5y - 2 = 0, y = 1, 5y = 2, y = 1/2. अब हमने y किसके बराबर फर्ज किया था, हमने x^(1/4), ये हमारे पास 1 आ गया। इसी तरीके से y हमने फर्ज किया था 1/4 और ये हमारे पास 2/5 आ गया। अब हमने इस 4 को ख़त्म करना है तो क्या लेंगे, 4th power लेंगे ऑन बोथ साइड, इधर भी 4th power लेंगे, इधर भी 4th power लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इधर भी हमने 4th power लेनी है, क्या लेनी है, 4th power, बोथ साइड पर हमने 4th power लेनी है, ये आपस में कैंसिल हो गया है। 2^4 किसके बराबर होता है, 16, आई थिंक 16 होता है, 25 की, यानी कि 2 को मल्टी 4, 8, 16 ठीक लिखा है, 5 की 4 देखते हैं किसके बराबर होता है, 625 आएगा, ये हमारे पास। हाँ, अब इसको हमने सॉल्यूशन सेट में लिखना है, 1/16/625, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से मैं 4th part आपने खुद करना है, 5th part मैं करा देता हूँ, बाकी मैं आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। फाइव पार्ट क्वेश्चन में कर देता हूँ, अब देखिए इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूँ, -2 + 0, ये इधर आ जाएगा हमारे पास -8x^-1 + 5=0। अब लेट करते हैं हम x^-1=y, अब इसका हम स्केयर ले लेते हैं तो हमारे पास x^-2 हो जाएगी, y^2। अब यहाँ पुट करते हैं 3y^2 - 8y + 5=0। अब इसकी तर्जी बनाते हैं, ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 15y². अब हमने पेयर ऐसा बनाना है कि ऐड करें तो हमारे पास -8y, मल्टीप्लाई करें तो 15y² आ जाए, तो हमारे पास पेयर बनता है -3y - 5+5=0। इसको ऐड करेंगे तो -8y आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y² आएगा, 3y हम कामन लेते हैं, y - 3 आ जाएगा हमारे पास, इधर से हम y कामन लेते हैं, 5 कामन लेते हैं, तो हमारे पास ये हमारे पास पेयर ठीक नहीं बना, इधर से फिर 1 आएगा, ये हमारे पास 1 आएगा, ये हमारे पास 0 हो गया। अब इधर से हमारे पास y - 1 = ये हमारे पास 3y - 5 = 0 हो गया। अब इसको बारी बारी हमने 0 के बराबर करना है क्योंकि हमने y की कीमत निकालनी है, इधर से अब यह y बराबर हो गया हमारे पास 1 के, 3y = 5 के, y बराबर हो गया 5/3 के। अब हमने y फर्ज किया किसके था, हमने
एक्स की इनवर्स। अब ये हमारे पास क्या आ गया, वन। इस तरीके से एक्स इनवर्स ये हमारे पास 5/3। अब ये इनवर्स है, अब इसको उल्टा देंगे तो हमारे पास एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वन के। इसको उल्टा देंगे तो हमारे पास 3/5 आ जाएगा, यानी ये पावर ख़त्म हो जाएगी, -1 ख़त्म हो जाएगा। ये एक्स बराबर है 3/5। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, 1/3/5। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।